आपका स्वागत करते हैं RPR एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे बिहार मेडिकल कॉलेज में भर्ती के बारे में। तो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अभी जो है कुल 545 पदों पर भर्ती किया जाएगा, जिसके लिए अभी जो है तकनीकी सेवा आयोग को बहाली का जो है जिम्मा दे दिया गया है। ठीक है, तो लेटेस्ट नोटिस है इस जो है भर्ती की बहाली की हर एक जानकारी दिया जाएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हमने न्यूज़ द नोटिस पा चुके हैं, जो कि आज ही का लेटेस्ट और ताज़ा अपडेट कुछ इस प्रकार से निकल के आ रही है। देख पाएंगे 5 नए मेडिकल कॉलेजों के लिए जो है मार्च में होगी 27 से 25 पदों पर बहाली। जी हाँ फ्रेंड्स, मार्च में जो है 2725 पदों पर बहाली होनी है। तो राज्य सरकार जो है स्वास्थ्य विभाग जो है ने प्रस्ताव की जो है हरी झंडी दे दी है। ठीक है, तो बात करेंगे यहाँ पे कुल जो है 277 पद जो है वो मेडिकल कॉलेजों के लिए है और 268 पद जो है वो अस्पतालों के तय मानकों के लिए है। ठीक है, अब बात करेंगे यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो अपडेट आई हुई है कि MCI के मानकों के अनुसार, ठीक है, MCI जो है उनके अनुसार यहाँ पे दी गई मंजूरी और सूत्र से हवाले मिल रही है जानकारी कि अभी जो है मेडिकल कॉलेज अस्पतालों के लिए 545 जो है पदों को जो है मंजूरी दी है और नए पदों के लिए नियुक्ति होने से जो है मेडिकल कॉलेज ठीक प्रकार से जो है पढ़ाई और अस्पतालों में सही प्रकार से मरीजों को जो है इलाज सुविधा दी जाएगी। तो सूत्र ने बताया है कि संबंधित मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों में नियुक्ति का प्रस्ताव जो है विभाग स्तर पर जो है तैयार हो चुका है और इसे जो है तकनीकी सेवा आयोग को भेजा जाएगा। संबंधित जो है कि मार्च के अंत तक जो है संबंधित पदों पर बहाली प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। तो डियर फ्रेंड्स, आप लोग को बता दें पूरी अपडेट यहाँ पे नहीं जानेंगे। अभी जो है कुल 277 जो है मेडिकल कॉलेजों में आप लोग का पद रहने वाले हैं। 268 पदों की बात करें तो ये आप लोग का अस्पतालों के लिए होने चाहिए। ठीक है, होनी है, जो कि कुल 545 पदों पर भर्ती होनी है, जो कि मार्च के अंत तक आप लोग का ये भर्ती प्रक्रिया हो जाएगी और इसके लिए जो है तकनीकी सेवा आयोग है उनको जो है प्रस्ताव भेजा जाएगा। फिर उन्होंने जो है आप लोग को बता दें उनके पास जो है नोटिफिकेशन जारी होकर आएगी, फिर इसके लिए आवेदन होंगे। तो स्वास्थ्य विभाग ने हरी झंडी दे दी है, अब आगे इसकी जो भी न्यूज़ नोटिस जारी होगी आप लोग को इसी तरह अवगत कराएंगे, वीडियो बना के आप लोग को जानकारी देंगे इसकी जब नोटिफिकेशन जारी होगी। ठीक है, आज के इस वीडियो में आप लोग को अलर्ट करना था। आशा करेंगे छोटी सी अपडेट पसंद आया, वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे साथ जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा ताकि इसकी रिलेटेड आगे जो भी अपडेट है आप लोग को टाइम पर मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।